इस गाड़ी की यार फर्स्ट सर्विस हो चुकी है एंड फर्स्ट सर्विस की जो कॉस्ट हुई ना भाई 900 समथिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट भाई ने कहा कि नहीं ठीक है यार। गाइस इसमें मिल चुका है आपको E20, 20% आपका इसमें एथेनॉल मिक्स होके आपका फ्यूल पे चलेगी, ठीक है। ये रही वो बाइक, होंडा SP125, 125 cc की ये बाइक है। मेरा सोचा छोटा सा एक आपको इस पर रिव्यू देता हूँ, मेरे फ्रेंड ने परचेज़ की, जैसा कि आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो मैंने आपसे, लास्ट वीडियो नहीं मतलब बीच बीच में एक दो तीन चार पाँच छः वीडियो बाद मैंने डाला था, अपलोड किया था। ऐसे आप अगर चैनल पर आग पर आप नहीं देखते तो बात नहीं पता होगा, बट देखते हैं तो आपको पता होगा। सो मैंने सोचा इसके बारे में एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ, जैसे कि आप मेरे सामने खड़ी देख सकते हैं। ये इसका ब्लू कलर है, अदर और भी कलर्स में आती है, जैसे कि रेड में आती है, ब्लैक में आती है, इसका स्पोर्ट एडिशन भी आता है। जैसे कि मेरे वीडियोस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने स्पोर्ट्स एडिशन क्यों नहीं लिया, तो भाई कलर को एक्चुअली लेकर मेरे को पसंद नहीं थी, मेरे फ्रेंड की, उसको ब्लू फेवरेट था, तो इसी वजह से हम लोगों ने ब्लू परचेज़ कर ली थी। सिंपल सी बात है, हमारा ये था फंडा। बाकी अब मैं गाड़ी को अगर लेके चलता हूँ तो स्टार्ट करते हैं अगर फ्रंट से, तो जिसकी आप फ्रंट पर देख सकते हैं कि भाई जैसा कि 125 cc की बाइक है, तो 125 cc में अगर पहले तो मैं कहूँ कि ये अदर 125 cc की गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी सी बल्की है। NS हो गई, मैं नाम भी ले लेता हूँ गाड़ियों के, NS 125 हो गई, राइडर हो गई 125, तो थोड़ी उन सबसे ये मुझे बल्की लगती है, पल्सर 125 से भी बल्की लगती है मुझे, क्योंकि आप टैंक इसका देव जो भी देख सकते हैं, टैंक का आप यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको सेंटर से, तो टैंक देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा सा बल्की इसका लगता है देखने में। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं जिसके वाइज़र दिया गया है, इसका जो LED देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, LED सेटअप है पूरा। तो अगर ऑन करते हैं तो LED सेटअप में इसकी लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा ये हाई बीम लो बीम, ठीक है, कुछ ऐसा है, तो इसको मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ। बाकी हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं, शेप अच्छा है। तो जैसे कि इसमें एक फीचर और भी स्टैंड का है, क्योंकि इसमें अगर जैसे कि साइड स्टैंड वाला है, जैसे कि अभी गाड़ी ऑन करते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं एक बार वहाँ पे, आप ये देखिएगा कि अभी देखिए अभी स्टैंड नहीं लगा है, स्टैंड लगाना ज़रा। तो इसमें ये जो फीचर है पता क्या है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर साइड स्टैंड का ऑप्शन दे रहा है, तो मतलब आपकी जैसे गाड़ी आपने स्टार्ट की न्यूट्रल पे है, ठीक है, और आपका स्टैंड लगा हुआ, आपने कैसे गियर पे लगाएंगे तो गियर लगाते ही आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा ही सेफ्टी फीचर है, या आपकी गाड़ी मतलब स्टैंड पे पहले ही से है, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपने ऐसे गियर लगाया, गाड़ी फिर आपकी बंद हो जाएगी, मतलब ये नहीं झटके देगी, गाड़ी सीधी आपकी ऑफ ही हो जाती है। तो ये बड़ा ही सेफ्टी फीचर के लेकर देखा जाए बहुत ही अच्छा फीचर दिया है, और अब वैसे मोस्टली गाड़ी में धीरे 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 करके ये सब फीचर्स दे रहे हैं, तो अब अदर गाड़ी का मुझे नहीं पता, इसमें है, तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। तो ये आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, अलॉय व्हील्स की जो कटिंग भी है काफ़ी थोड़ी सी कहते हैं डिफरेंट और थोड़ी डिजाइनिंग टाइप की दी है, और इसमें आपको मिल जाती है ये फ्रंट डिस्क, ठीक है, आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, ये सिर्फ फ्रंट डिस्क में आती है, एंड पीछे आपका ड्रम ब्रेक होता है, बाकी टायर आपके अलॉय रहेंगे, तो कुछ इस तरह से। तो ये आपकी फ्रंट एक सिंगल डिस्क में आती है, और आपका रियर ड्रम में आ जाता है। और पीछे की सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो ये आपके जैसे कि मुझे लगता है ये जो साइड वाले कौन से होते हैं, इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें वही 5-speed गियर बॉक्स आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। बाकी एक चीज़ मैं और भी छोटी छोटी इसके बारे में दिखा देता हूँ, अगर पेंट को पहले बात करूँ तो इसका जो ब्लू है ना, थोड़ा सा आप देख सकते हैं हल्का सा शाइनी टाइप का, थोड़ा किरकिरी टाइप का है, फिर यहाँ ब्लू ब्लैक टच में, एंड यहाँ पर भाई ये देखिए कार्बन फाइबर की बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग दे रखी है, यहाँ पर SP125 की बैचिंग है, ठीक है। इधर भाई इसका ये रहा अपना, इसमें आपको केक स्टार्ट भी मिल जाता है, एंड साथ में इसमें आपको मिल जाएगा सेंटर स्टैंड भी मिल जाएगा, साइड स्टैंड भी मिल जाएगा, एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से, पीछे की टेल लाइट ऐसी है, मैं ऑन भी एक बार करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो पीछे की टेल लाइट कुछ ऐसी मज़ेदार लग रही, मतलब एरो टाइप का कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हाँ एक ये देखिए ब्रेक दबाने पर ऐसे कुछ जल रही है। अब मैं इसके बारे में जैसे कि आपके टैंक की इसकी कैपेसिटी कितनी है, आई थिंक जो भी होगी मैं टैंक कैपेसिटी आपकी इसकी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता वो मैं आपके लिए मेंशन कर दिया करूँगा, तो आपके आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहे। बाकी अगर मैं इसके डिस्प्ले कंसोल पर चलता हूँ तो मैं इसको डिस्प्ले कंसोल आपका दिखा देता हूँ कैसा है। तो इधर से पहले स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर आपकी पड़ जाती है पासिंग स्विच, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये रहा पासिंग स्विच हो गया, ये आपका इंडिकेटर हो गया लेफ्ट राइट बंद, हॉर्न हो गया, ठीक है। इधर आपका हो गया साइलेंट स्टार्ट से मिलता है, ठीक है, गाड़ी से ऑफ है ये किया, एंड सेल्फ, ठीक है, ये देख रहे सिंगल इसी में ही है, मतलब यूँ किया स्टार्ट और ऑफ हो गई। तो अब करते हैं इग्निशन को ऑन, तो इग्निशन ऑन करने पे कुछ इस तरह से सेटअप आता है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल अपना मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका दिखाता है किलोमीटर रेंज, तो ये किलोमीटर रेंज पता वो जैसे कि आपके देखा होगा कारों में दिखाता है, तो ये कुछ वैसा टाइप का है,
तो ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी इसकी यार, कि मैं तो इसमें आपको रेंज दिखा देगा कि गाड़ी आपकी कितनी किलोमीटर चलेगी। इसे आपको टाइम दिखा रहा है, वहाँ पे गियर दिखा रहा है, अभी पहले गियर पे लगी है तो गियर में उतार लेता हूँ, न्यूट्रल पे हो गई। बाकी इधर से सेलेक्ट का मोड है, इधर आपका हो गया सेट करने का है, तो इधर से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी एंड इधर हो गया एवरेज, अभी 56 का समथिंग में दिखा रही है। बाकी ये वापस आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले कंसोल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है तो सही लगता है देखने में, मतलब ये नहीं लगता कि आपको खाली खाली सा नहीं लगेगा। बाकी कलर कैसा है एंड ऑल ये सब तो आप देख ही सकते हैं। सीट भी इसकी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसकी सीट जो है ये सिंगल सीट में आती है पूरी अच्छी सी, एंड इसका जो कवर लगा है बहुत ही सही है, मतलब कंफर्ट आप देते हैं, मतलब कुशन जो है काफ़ी अच्छा है यार, मतलब अगर आप लॉन्ग भी जाएंगे ना, मतलब इससे 100-200 तो आप आराम से सकते हैं, क्योंकि अपराइट पोजीशन वाली आपकी गाड़ी है ये, तो सिंपल सी बात है अपराइट पोजीशन वाली गाड़ी आपकी आराम से कंफर्टेबल होकर चल सकते हैं। 125 सीसी की गाड़ी है, 60 का भी माइलेज देगी ना, बहुत है कम भी 65 क्लेम करती है, तो बंदा अगर आराम से लाएगा तो 60 तो निकाल ही लेगा आराम से। बाकी एज़ कम्पेयर NS125 TVS राइडर तो भाई सब अपने आप में बेस्ट ही होती हैं, बट हमारे भाई को ये अच्छी लगी तो ये परचेस की। तो ओवरऑल मेरा अब तक का इस पर यही एक रिव्यू था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आके चैनल पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।